क्या किसी शहर या किसी इंसान के बारे में सुनता है, और ज़रूरी नहीं है जब तक आप खुद एक चीज़ को पर्सनली एक्सपीरियंस ना करें, आप उसका अनुभव ना उठाएं, तब तक आपको अपनी राय नहीं बनानी चाहिए। तो बरेली आके बड़ा ही बढ़िया लगा। सिर्फ ये एक प्रॉब्लम रही कि मैं भोपाल में शूटिंग कर रहा था, भोपाल से दिल्ली आया, सुबह 3 बजे एयरपोर्ट पहुँचा, वहाँ से फ्लाइट पकड़ के दिल्ली पहुँचा, और फिर दिल्ली से यहाँ आते आते 7.5 घंटे लग गए, एग्जाम लगे हुए थे, ये हुआ था, ब्रिजेस बन रहे थे, तो आने जाने में थोड़ी सी दिक्कत हुई है, लेकिन आना तो था ही, एक कमिटमेंट थी कि भैया आएंगे करेंगे। एक मिनट, तो ये सब होना था, तो मैं आया हूँ यहाँ, और बरेली की जनता से जितनी भी मेरी मुलाकात हुई, कल रात को मैं गया था एक शो के, एक इवेंट था जो रॉबर्ट साहब ने ही कहा था कि उनके मित्र का है या उनके जान पहचान का है, वहाँ गए तो सुना कि उस ऑर्गेनाइज़र को परमिशन ही नहीं थी वहाँ पर शो करने की, काफ़ी दूर थी जगह, मैं और अपने जो ACC साहब पटनी साहब हैं वो हम साथ गए थे उनकी गाड़ी में, रॉबर्ट भी गए थे, लेकिन संभव वो जो इवेंट है वो परमिशन ऑर्गेनाइज़र ने शायद परमिशन नहीं दी थी, तो वो शायद इवेंट नहीं हो पाया कल, लेकिन आज जो है शाम को 6 बजे रॉबर्ट जॉनसन साहब का इवेंट है, और मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत ही बढ़िया होगा और काफ़ी जनता आएगी और लोगों से मुलाकात करेगी, मैं सबसे मिलूँगा, वो मुझसे मिलेंगे, हम यार दोस्त, हम प्यार के दिल की बातें करेंगे, और रॉबर्ट साहब का ऑर्केस्ट्रा सुनेंगे, इनके यू नो इस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे। रॉबर्ट साहब का ऑर्केस्ट्रा सुनना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अपने ऑर्केस्ट्रा के बारे में बहुत बोलते हैं ये, तो मैं भी देख लूँगी कि तेल की धार किस तरफ है, देखना बहुत ज़रूरी है। अनूप जलोटा जी का जो मुद्दा उठाया।